बागेश्वर धामवाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुधवार को नागपुर पुलिस ने अंधविश्वास फैलाने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही पुलिस ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव की शिकायत को खारिज कर दिया है। पुलिस के इस फैसले पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने खुशी जाहिर की है और उन्होंने इसे सत्य की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसे अगर सही मान लिया जाता तो तमाम हनुमान भक्तों को जेल में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सनातन के प्रचार का अभी भी अंधविश्वास नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे भारत के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर अंधविश्वास फैलाने वाले आरोपों को खारिज होने पर कहा कि पुलिस ने कुछ नया नहीं कहा है, यह तो हम पहले से ही कहते आए हैं कि सनातन धर्म का प्रचार करना, हनुमान चालीसा का प्रचार करना, बागेश्वर धाम का प्रचार करना और भारत की संत परंपरा का प्रचार करना अगर ये अपराध है तो देश के सभी हनुमान भक्तों को जेल में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भारत के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा था, इसी वजह से आज सत्य की जीत हुई है। नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिलने पर बाबा ने कानून और संविधान पर पूरा भरोसा होने की बात कही। वहीं जब उनसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले उनके बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य, जहां सबका विकास हो, सभी सुरक्षित रहें और सब धर्म संभव हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने क्लीन चिट मिलने पर भी कहा कि सभी जगह पर प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, इसका श्रेय उन्होंने बालाजी और अपने भक्तों को दिया है। उन्होंने कहा कि कल भी सम्मान मिल रहा था और आज भी सम्मान मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ना कल मैं भगवान था और ना मैं आज भगवान हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान ही हूँ। हाँ, बस बालाजी और गुरु महाराज का दिया हुआ और ऐसे कुछ अलग है मेरे पास।